सब्सक्राइब लाइक ऑन एंड शेयर माय चैनल थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टेस्ट बड। तो आज हम बनाएंगे चीज़ बॉल, वो भी ऑयल फ्री, क्योंकि हम इसमें बहुत ही कम ऑयल यूज़ करेंगे। ये बहुत ही टेस्टी होती हैं और हेल्दी भी रहती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने सबसे पहले 3-4 मैंने यहाँ आलू उबाल लिए थे और उनको अच्छे से मैश कर लिया है और काफ़ी ठंडा कर लिया है, क्योंकि इसकी हमें बाइंडिंग के लिए इसको ठंडा टेम्परेचर पे ही रखना पड़ेगा। गरम गरम में बाइंडिंग इसकी अच्छी नहीं हो पाएगी। तो मैंने यहाँ पर धनिया ऐड किया है, यहाँ मैंने थोड़ा सा अदरक ऐड किया है, फिर मैंने यहाँ हरी मिर्च ऐड किया है और थोड़ा सा अनियन। आपके पास अगर पनीर हो तो आप पनीर भी ग्रेट करके डाल सकते हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बहुत ही टेस्टी होते हैं, बहुत ही क्विक रेसिपी है। जैसे सडनली आपके घर कोई गेस्ट आ जाए तो आप फटाफट बना सकते हैं। यहाँ मैंने फ्रोज़न इसमें मटर डाल दिया है और यहाँ मैंने थोड़े मसाले ऐड किए हैं, नॉर्मल बेसिक मसाले, लाल मिर्च, नमक, सूखा धनिया, और थोड़ा सा हींग। हींग से बहुत ही अच्छा फ्लेवर रहता है। तो देखिए इस तरीके से इसको अच्छे से मिला लेंगे पहले सब चीज़ों को। नॉर्मल एक पिट्ठी सी तैयार कर लेनी है। अब इसमें हमें बाइंडिंग के लिए क्या चाहिए कि भी यहाँ मैंने कॉर्नफ्लावर मिलाया है, कॉर्न स्टार्च, आप चाहें तो मैदा भी मिला सकते हैं या ब्रेड क्रम्स भी मिला सकते हैं, जिसमें जो आपके पास हो किचन में आप वो मिला सकते हैं और बहुत ही अच्छे से ये बन जाएंगे। बट एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि आलू आपके थोड़े से ठंडे टेम्परेचर के होने चाहिए, क्योंकि गर्म गर्म होंगे तो बाइंडिंग अच्छे से नहीं हो पाएगी। और मिलाने के बाद हमें क्या करना है, छोटी छोटी सी बॉल मतलब बनानी है, गोल गोल कुछ इस तरीके से। इस तरीके से हमें सारी बॉल तैयार कर लेनी है। तो देखिए मैंने यहाँ बॉल तैयार कर लिया और इधर मैंने एक चम्मच कॉर्नफ्लावर ले लिया है और उसको मैंने थोड़ा पानी में मिला लिया है। और स्लरी बनाने के बाद यहाँ मैंने मोज़रेला चीज़ लिया है और उसकी भी छोटी छोटी बॉल बना ली है, क्योंकि जो हमारी पिट्ठी वाली बॉल थी उसके अंदर हमें इसमें रखना है। तो इस तरीके से बॉल बनाएंगे तो ठीक रहेगा, सेम रेशियो में आ जाएगा, बिखरेगा नहीं चीज़। तो देखिए इस तरीके से मैंने बॉल को फैलाया एक, और फैलाने के बाद एक एक अपनी बॉल अपनी आलू वाली पिट्ठी की बॉल में रख दी है। और इस तरीके से हमें अपनी सारी जितने भी ये चीज़ बॉल है तैयार कर लेने हैं। ट्रस्ट मी फ्रेंड्स, ये बनने के बाद बहुत टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यमी बनते हैं और बहुत जल्दी बन जाते हैं, इसलिए ज़्यादा अच्छी रेसिपी है। तो देखिए इस तरीके से आप बना लीजिए एक एक करके और उसको गोल शेप देके, और जो हमने स्लरी बनाई थी उसमें हल्का सा डिप करके, और फिर यहाँ मैंने थोड़े से दो ब्रेड के ब्रेड क्रम्स भी बना लिए हैं जिससे ये थोड़ा सा क्रंची सा रहे। और देखिए इस तरीके से मैं इसमें ब्रेड क्रम्स से अच्छे से कवर अप कर लूँगी। तो एक एक करके मैंने यहाँ कर लिया। देखिए हमारी अप्पा पैन तैयार है, हीट कर दिया है हमने उसको, अच्छे से गर्म कर लिया है। और मैं मोस्टली चीज़ें ऑयल कम यूज़ करके बनाती हूँ तो अप्पा पैन मेरे लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। तो देखिए इस तरीके से आप साइड बाई साइड चेंज कर लीजिए और देखिए आपके अप्पा मेकर में ही आपके चीज़ बॉल अच्छे से रेडी हो गए हैं, बहुत ही टेस्टी बने हैं, बहुत ही अच्छे से सिक चुके हैं अंदर तक। और इसको एक बैच को बनने में अराउंड 8-10 मिनट मेरे लग गए थे, क्योंकि हमने साइड चेंज कर करके अच्छे से हमने इसको सेका था। तो देखिए मैं आपको इसको तोड़ के भी दिखाती हूँ, अभी गरम गरम है और ये बहुत अच्छे से अंदर तक सिक चुके हैं, क्योंकि हमारा चीज़ भी बिल्कुल अच्छे से मेल्ट हो गया है। तो फ्रेंड्स इस तरीके से आप चीज़ बॉल बना के देखिए अपने बच्चों के लिए। आई होप आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक ऑन एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।